जो डॉक्टर्स की टीम होती है वो आप कैसे चूज करते हो, किस डॉक्टर से करवाना है? आपके फार्म पे जो सी टीम आई वो डॉक्टर्स कौन थे? वो ब्राज़ील के डॉक्टर थे, और जो श्री प्रदीप सिंह राहुल है उसके हेल्प से मेरे को वहाँ से ब्राज़ील आए, ब्राज़ील से इंडिया आए, और वो पूरा शेड्यूल वही बना के वहाँ से मेरे को भेजे कि ये सब तैयारी करके रखो, और ये पूरा प्रोजेक्ट जो हमने ब्राज़ील से डॉक्टर बुलाए वो पूरा हेल्प बापू ने किया। अच्छा, तो आपके जो प्रोजेक्ट हुआ था ईटीटी या आईवीएफ वो ब्राज़ील की टीम ने आके किया, तो सीमन कौन से बुल के यूज़ किए भाई आपने? सीमन ऑलरेडी मैंने भावनगर के यूज़ किए हैं, और कोई सीमन था जो बापू ने मेरे को बोला कि ये इसमें यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा, और थोड़ा इनब्रीडिंग स्टॉप करने के लिए मैंने एक बुल ब्राज़ील का है जो उसका नाम सोनगारो हो, POI है, ये प्योर इंडियन ब्रीड, ऐसा नहीं है कि गिरलैंड हो, ये सब दूध बढ़ाने के लिए मैंने ये बुल यूज़ किया। उसके इफर्स भी अभी फर्स्ट लैक्टेशन बच्चा दिया, उसका लिए दूध रिकॉर्ड भी हमारी तरह ही है, जैसे मेरी सब बच्चियाँ 7 लीटर एक टाइम का निकालती है, वही अभी 7 लीटर ही है। ऐसा नहीं है कि ब्राज़ील का मैंने यूज़ किया तो अब दूध हो गया, नहीं, जो लेवल था वही है, पर जो बुल मैंने सिलेक्ट किया जो यहाँ का पुराना बुल था वही यूज़ किया है। तो मैं अपने सभी गौपालक साथियों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप ब्राज़ील का सीमन सिर्फ दूध बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है कि देवा भाई के पास जो बछड़ी ब्राज़ील के सीमन से आई है उसने भी उतना ही दूध दिया है जितना हमारे इंडियन बुल्स के बच्चे देते हैं। तो प्लीज़ ये धारणा मन में ना बैठाएं कि इंडियन बुल्स में दूध कम है और ब्राज़ील के बुल्स में दूध ज़्यादा है। और देवा भाई ये बताइए कि जो आपने ब्राज़ील का बुल यूज़ किया उसका मेन कारण क्या सिर्फ इनब्रीडिंग और नया बुल इंट्रोड्यूस करना था या कुछ और भी था? नहीं, केवल इनब्रीडिंग के लिए मैंने यूज़ किया। ओके, तो ये भी एक रीज़न है देवा भाई ने इनब्रीडिंग से अपने फार्म को बचाने के लिए एक नया मिल्क इंट्रोड्यूस किया था, और ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बुल इन्होंने यूज़ किया था वो प्योर ओरिजिन ऑफ इंडिया का ही था, प्योर इंडियन ओरिजिन का बुल था, उसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं है। तो देवा भाई, जो आप अभी अपने हर्ड को मेंटेन करते हैं तो उनका जो खाना चारा जो चीज़ आप यूज़ करते हैं वो उसको खर्चा कम करने के लिए क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं? ऑलरेडी जो उसको देना है वो तो देना ही पड़ेगा, खाना पीना दो टाइम उसको चारा डालता हूँ, एक टाइम दाना देता हूँ उसको, दूध वाली को दो टाइम देता हूँ, हिफर्स को सबको एक टाइम, और मैक्सिमम जितना कॉस्ट कम जाएगा उतना ठीक रहेगा। तो जब सीजन होती है सब चारा खरीदने के तब खरीद लेता हूँ, तो थोड़ा कॉस्ट मेरे को डाउन मिल जाता है। और जो बच्चे होते हैं जिनका जन्म अभी हुआ होता है उनकी केयर आप कैसे करते हैं, कितना दूध रिक्वायर्ड है और कितना पिलाना चाहिए? नहीं, पहले तो उसको जब बच्चा देता है तो तुरंत पूरा दूध नहीं पिलाता, स्टेप बाय स्टेप पहले एक टीट पिलाता हूँ, फिर दो पिलाता हूँ, फिर कोई कोई गाय को पूरा दूध पिला देता जब बड़ा हो जाएगा, 8-9 महीने का बछड़ा हो जाएगा तो उसको मैं पूरा दूध पिला देता हूँ, क्योंकि वो दूध पी के थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसका हेल्थ भी जब छोटा होगा तभी उसका ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि जब छोटे समय आप उसको दूध नहीं पिलाओगे, उसकी केयर नहीं करोगे, तो कितना भी आप उसको खिलाओ पिलाओगे तो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना बढ़िया बन नहीं पाएगा, दूध तो उसको मदर का चाहिए ही चाहिए उसको। तो दूध के साथ जो चारा होता है चाहे वो ग्रीन फॉडर है चाहे ड्राई मैटर है वो कब आप स्टार्ट करते हैं बच्चे का? बच्चे का तो ऑलरेडी वो अपने आप ही स्टार्ट कर देता है, दो ढाई महीने के बाद अपने आप थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगता है, तो उस हिसाब से वो उसको रख देते हैं, वो खाना खाए, केवल उसको पानी है वो 2 महीने तक नहीं पिए तो अच्छा रहता है। ओके, तो मतलब उसमें थोड़ा कृमि की उसको डाइजेशन के लिए थोड़ा दिक्कत रहता है, तो 2 महीने तक उसको पानी नहीं देते हम लोग। मतलब आपके हर्ड में बच्चे फ्री हैं, जब वो जब भी खाना चाहें वो अपना ड्राई मैटर या ग्रीन फॉडर को खा सकते हैं? खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, क्योंकि उसके उस लिए रखा होता है, क्योंकि मैं बच्चे सब जितने दूध पीते हैं 15 दिन का 9 महीने तक बच्चे एक साथ ही रहते हैं, तो उसी के साथ उसको जब अच्छा लगेगा तो वो अपने आप खाना स्टार्ट कर देगा। तो देवा भाई, मैं उन पशुपालक या उन गौपालक भाइयों के लिए आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जिनके पास अभी 2-4 गायों पे जो काम कर रहे हैं,
उनको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपने हर्ड को इम्प्रूव करना चाहिए, उनकी सोच आज के समय में क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखिए महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, लोग गौ पालन को, भैंसों को, जो भी पशुपालन कर रहे थे उससे दूर भागते जा रहे हैं। ये शायद आप गुजरात में भी देख रहे होंगे, अगर आप ऑल ओवर इंडिया का एक रेशो उठा के देखें तो वो पहले के कंपैरेटिवली बहुत कम हो चुका। तो वो जो 2-4-5 एनिमल वाला हर्ड है उसके लिए पशुपालन को क्या चीज़ें ध्यान में रख के उसको इम्प्रूव करना चाहिए? नहीं, ऑलरेडी तो जो 4-5 गाय रखती है उसको तो थोड़ा मिल्क भी चाहिए, क्वालिटी सुधारने के लिए बुल अच्छा उसमें एंटर करे, तो साथ ही साथ उसके जो 2-4 गाय होगी उसमें से थोड़ा थोड़ा वो आगे बढ़ेगा, तो उसके पास 5-6 गाय होगी तो सबसे बेटर हो जाएगी। यूज़ करेगा बुल, सीमेन यूज़ करेगा बुल, तो क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतना अच्छा बुल 4-5 गाय में रखने, तो उसको सीमेन यूज़ करना पड़ेगा। सीमेन से उसकी जो बछड़िया होती है इम्प्रूव होगी, जो उसके पास गाय होगी उससे तो बेटर हो जाएगी, तो धीरे धीरे उसका डेवलप हो जाएगा, अच्छी गाय बन जाएगी उसके पास, फिर वो दूसरे को दे सकता है उसकी गाय, रिश्तेदार है या किसी और को भी देगा, तो उसका फिर वहाँ से उसका भी स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसे अभी तो सब महंगाई इतनी बढ़ रही है कि सब 100 गाय नहीं रख सकते, तो जिसको इंटरेस्ट है वो 10-15 गाय रख सकता है ना, जिसके पास जमीन है, खेत है, तो ऑलरेडी उसको 10 गाय तो रखने चाहिए कि वो घर का दूध मिल जाएगा, खाद भी मिल जाएगी, तो सब बच्चे भी प्योर अच्छा दूध है, सब मिलावट वाला सब सबसे दूर रहेंगे, थोड़ा रोग का जो कंट्रोल है जैसे कैंसर ये सब है उसमें भी बहुत थोड़ा फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब कई बारी तो मैं भी ये चीज़ सोचता हूँ कि जो हम पैसा कमा के इकट्ठा कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, तो मन में विचार आता है कि शायद डॉक्टर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ना तो हम अच्छा कुछ खा पी पा रहे हैं, ना लोगों ने गौपालन भी छोड़ दिया, ना अच्छा दूध पी पा रहे हैं, तो शायद वो जो पैसा हम बचा रहे हैं वो एक समय पर जाके डॉक्टर को ही देने वाले हैं। तो दूध से अभी एक बात मेरे दिमाग में आई, जो नकली दूध का कारोबार है उसके बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, वो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है और उसके क्या तरीके होने चाहिए? अभी तो क्या है, आदमी के दिमाग में ये चल रहा है कि कम प्राइस में, कम से कम क्या, कम से कम प्राइस में क्या मिलना चाहिए, तो अब सबको रिक्वायरमेंट होती है दूध चाहिए, तो दूध कम प्राइस में कितना कहाँ से मिलता वही खोते, क्वालिटी वाला कोई नहीं खरीदता। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते हैं कि 100 रुपया लीटर, पर ऑलरेडी हमारे फार्म में 16 रुपये तो हमको ही पर एक लीटर पे पड़ता है, तो सामने वाले को हम 30 रुपये में तो दूध नहीं दे सकते, क्योंकि 30 रुपये का आपको दूध दूंगा तो 30 रुपये हमारा घाटा होगा, तो घाटा तो कोई भी आदमी किसी भी बिजनेस में नहीं करेगा। तो ये सब के माइंड में ऐसा है कि 30 गाय का दूध 20 रुपये में मिलता है बाजार में, तो ऑलरेडी वो 20 रुपये वाला दूध प्योर नहीं होता, मिक्सिंग ही होगा, और जो अभी किसी को दूध रखने चाहिए तो सबको चाहिए, पर दूध कैसे बनाना और सबको गाय रखना पड़ेगा, सबको कुछ करना पड़ेगा, वो किसी को करना नहीं। अभी ऑलरेडी अमूल डेयरी से पाउच आएगा, दूध आएगा, अमूल दूध पीता है इंडिया, हो जाएगा सब, सब दूध पीते ही रहते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एक किसान के घर से प्योर दूध मिलता है तो आप उसको अच्छा दाम देके उस दूध को खरीदिए और अपनी सेहत को बचाइए। नकली दूध को ख़त्म करने का शायद ये भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है कि हम किसान के घर से सीधा जाके अच्छे भाव के ऊपर उस दूध को खरीदें। चलो, दूध की बात कंप्लीट होने के बाद एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो किसानों को, पशुपालकों को मारने पर तुला हुआ है भाई, वो है नकली सीमन। नकली सीमन जो मार्केट में आ रहा है और लोग बिना जाने उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं और जब घर पे बच्चा आता है तो पता लगता है कि नुकसान हो गया, उस चीज़ का क्या इलाज है, उस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? अभी पूरे इंडिया में क्या हुआ, सबके पास अभी हमारे यहाँ गुजरात में सब गांव में सब ब्रीडर है, ब्रीडर नहीं बोला जाए, सब गौ पालक है, सबके पास बछड़ा होता है सब। अभी तो क्या हुआ रे, ऐसा चल रहा है, अभी ऐसा ट्रेंक चल रहा है, ऐसे बोलो तो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सबके पास बछड़ा है, सब अभी वो बछड़ा 2 साल का भी नहीं हो उसका सीमेन अवेलेबल हो जाता है और सब वायरल हो जाता है, सब मीडिया में ऐसे चलना लग जाए सीमेन अवेलेबल अवेलेबल, तो सब बुल है, सब बुल का सीमेन
यूज़ करना बहुत दिक्कत है, क्योंकि सब बूल क्वालिटी वाले तो नहीं होते सबके पास। ऐसा नहीं है कि मेरे पास क्वालिटी वाला है तो मैं अपना इस्टीमेंट बेचने के, नहीं, सबके पास क्वालिटी वाला ओल सब जगह है बूल। तो ऐसा नहीं है कि आप आपके पास है बछड़ा, चलो ऐसे सीमेंट का है कि उसका सीमेंट बना के सब में दो, तो उससे गाय की जो क्वालिटी हैगी अप नहीं होगी, तो फिर उसका बच्चा आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो फालतू में पैसा भी गया और टाइम भी वेस्ट हुआ एक साल का। देवा भाई, एक और चीज़ क्या चल रही है, कुछ नामी बुल जिनकी मार्केट में डिमांड है उनके नाम पे भी नकली स्ट्रॉ छप के आ रहा है। नहीं, तो अभी तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, जिसके पास बुल था और जिसके पास बुल है डायरेक्टली उन पाए वो लोगों के पास जाके सीमेंट खरीदोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, आप डायरेक्टली ऑलरेडी उसके पास सीमेंट खरीद सकते हैं। तो अगर आप अच्छा या प्योर ओरिजिनल सीमेंट चाहते हो तो कोशिश कीजिए कि जिस गौपालक का वो बुल था उन्हीं के साथ कांटेक्ट करके उन्हीं से बताए हुए व्यक्ति से आप उस सीमेंट को खरीदिए, ताकि आप उस चीज़ से बच सकें। जैसे आपकी गौशाला से जो बुल्स या बछड़े गए थे आज वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छा रिजल्ट आया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो बछड़ों को तैयार करने के समय आपने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की थी, क्या आपके सोच थी कि मतलब अच्छी चीज़ ही तैयार हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ब्रीडिंग एक ऐसा पाथ है कि इसमें गलतियाँ होती रहती हैं, हर बारी हम सक्सेसफुल नहीं होते और हर बार हम फेल भी नहीं होते, पर उसके कंपैरेटिवली अगर आपकी रेशो उठाई जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस आया है, तो उस चीज़ के बारे में आप थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। पहले तो जो गाय का मेरे को लगता है मैं देख लेता हूँ गाय ठीक है, इसका फादर भी सही है, तो जब पैदा होता है तभी मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि इसको बुल बनना चाहिए, क्योंकि ये बुल मेरे लिए नहीं काम का तो दूसरे को तो 100% काम में आएगा, क्योंकि मेरे को तो इनब्रीडिंग थोड़ा देखना पड़ता है, मैं अपनी गाय का खुद का बुल यूज़ करने में थोड़ा डरता हूँ, क्योंकि खुद एक ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, पर दूसरे के लिए तो बेनिफिट सबसे अच्छा होगा उसकी, क्योंकि मैंने जो गाय का बुल बनाने के लिए सोचा होगा उसका फ्यूचर अच्छा ही होगा, क्योंकि उसका मिल्क रिकॉर्ड ये सब बढ़िया रहेगा, तो फ्यूचर बुल हो सकता है सबके लिए और प्रूवन भी बनेगा, क्योंकि कम मिल्क वाली एक भी गाय का बछड़ा मैं बुल के लिए सिलेक्ट नहीं करता, मेरे लिए भी नहीं और दूसरे के लिए भी नहीं, तभी से उसको ऐसा स्टार्ट करता हूँ यहाँ से जब पैदा होता कि वो आगे जाके टॉप क्लास बुल बने, किसी के और के पास जाए तो भी टॉप क्लास ही बुल बने। देवा भाई, जो आपके हर्ड में अगर 10 बुल आते हैं तो 10 के 10 बुल ब्रीडिंग बुल्स बन सकते हैं? नहीं, 10 के 10 तो नहीं बनते, पर 7 बन सकते हैं, इतना मैं ज़्यादा उसमें ध्यान देता हूँ, 7 तो बनना ही चाहिए। तो किसी अदर स्टेट के व्यक्ति को, गौपालक को या गुजरात की किसी गौपालक को आपके हर्ड से अगर कुछ बछड़े चाहिए हो या अपनी ब्रीडिंग के लिए बछड़े चाहिए तो क्या आप अवेलेबल करवा देते हैं? हाँ, मैं करवा देता हूँ, पर जो सब सामने जो आते हैं उस ये सब गाय वाले सब गाय रखते हैं सब कुछ, वो सबको टॉप क्लास चाहिए, तो जो टॉप क्लास होगी तो उसकी टॉप क्लास आपको प्राइस देना ही पड़ेगा, पर जो मैं मेरे लिए टॉप क्लास है और उसके लिए उसको नहीं लगेगा, क्योंकि जो मैंने रखा होगा वही मांगेगा उस जगह से, जो मैं अपने आप से उसको देता हूँ उसका प्राइस भी मैं कम रखता हूँ कि आप ये ले जाओ इससे आपका बेटर ही हो जाएगा, पर वो सामने वाला क्या बोलता है कि मेरे को ये ही दे दो, तो वो सोच थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो दूंगा वो अच्छा ही चीज़ दूंगा सामने वाले को कि उसका फायदा ही होगा। तो अगर आप कुछ अच्छे बछड़े अपनी ब्रीडिंग के लिए चाहते हैं तो आप देवा भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देवा भाई, इन दी एंड इंटरव्यू के एंड में मैं आपसे पशुपालक भाई जो आज अपना काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ आप एडवाइस देना चाहते हैं? बस यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छी गाय रखें और ज़्यादा गाय, जितना आप हो सके आपके पास 10 गाय रखने की कैपेसिटी है तो 10 गाय रखो, पर ऐसी रखो टॉप क्लास कि सामने वाला देख के 10 गाय रख देख के वो भी 10 गाय रखना स्टार्ट कर देवे, तो उससे गाय की जी क्वांटिटी है भारत में वो अप हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज पूरा इंटरव्यू सुना, आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी और आप अपने पशुपालन को और इम्प्रूव कर पाएंगे। तो और भी अच्छे इंटरव्यूज़ के साथ बने रहने के लिए और अच्छे इंटरव्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय गौ माता, नमस्कार।